आपको पता है ये कौन सी जगह है? इसको कहते हैं दिगनेबर। इससे पहले आप आए यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं आया। ये तो शायद आया होगा इस साइड। आया है? और देखिए खूबसूरत चीज़ है ये, पूरा आपको यहाँ से कश्मीर दिखाई देता है पूरा। वो हो गया हजरत सुल्तान आरफीन का जहाँ तस्फीन की जगह है, वो है जिसको कहते हैं हम कई महारान। वो है सामने जो पहाड़ी है ना ऊपर ऐसे, वो है। वो हो गया सीधा जो जीरी डल हम जिसको कहते हैं, वो जो सामने है वो, उसके बीच में वो चार चिनारी है। वो यूनिवर्सिटी भी यहाँ से पड़ता है। आप देख लीजिए पूरा जो कश्मीर व्यू है पूरा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कश्मीर। क्योंकि इसको पता होना चाहिए, जो भी ट्रेकर है ना जो ऊपर, जिसको पता होता है ट्रेकिंग क्या है, किस साइड क्या है, जो भी अदरवाइज सुकून होते हैं उनमें ट्रैकर्स नहीं होते हैं। वो सोचे चलो हम खुद दिखाएंगे, मगर जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें थोड़ा बहुत होते हैं, उनको पता होता है ट्रैक किस साइड लेंगे, कैसे लेंगे। क्योंकि जब कोई रहबर नहीं होगा साथ, तभी तो किसी जगह पहुंचते हैं। जब मैं आप लोगों को साथ था यहाँ पर दिगनेबल दिखाने के लिए, तो तभी आप लोगों ने दिगनेबल देखा। इतना खूबसूरत जगह आप लोगों ने देखा, बच्चों ने भी बहुत खूब तरीके से इंजॉय किया। और अब थक गए आप, देख लीजिए आराम से। मैंने तो भी इनको थकाया नहीं, हम 10-15 मिनट हमने वेट दे दिया, हाँ गैप दे दिया। आपने भी इंजॉय किया, आपको कैसे रहा आप दोनों को? मज़ा लगा है, हाँ बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ट्रैक अच्छा होना चाहिए, खूबसूरती होना चाहिए। हम देखते हैं इनको अदरवाइज किसी छोटी छोटी जगह, चाहे गुल यहाँ क्या कहते हैं शालीमार गार्डन, तो वो तो हर दिन ये देखते हैं, चाहे फंक्शन होगा कुछ होगा चाहे ईद होगा, तो उसमें जाते हैं ये देखने के लिए सब। क्योंकि बड़े जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो जाएंगे निशार हरिवन, उनको पता है ये छोटा मोटा ट्रैक है, मगर ये हटके है। क्योंकि हमको पता होता है जो जितने भी कश्मीर में ट्रैकर है भी है, किसी को पता होता है किसी को उतना पता नहीं होता है। कोई लॉन्ग ट्रैक करता है ट्रैकिंग के दौरान, कोई शॉर्ट ट्रैक करता है। तो हमको लॉन्ग ट्रैकिंग का आदत है, हमको तभी तो पता है। ज़्यादा मैंने इसमें साइकिलिंग किया यार दोस्तों के साथ। मुझे एक दफ़ा यहाँ पर नीचे एक साइकिलिंग मैं कर रहा था, पूरा साइकिल जो लुटक गया था, पूरा टर्न किया उस साइकिल ने, तो मुझे बाजू में अंदर से क्रैक हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है मैं उस वक्त दो बार बच गया, मैं थोड़ा बहुत जख्मी हुआ था। तो यही वो खूबसूरत जगह है, अल्लाह इन सबको यहाँ खुश रखे और तरक्की दे। लव यू।